आपको कल से रिलेटेड कुछ भी पूछना हो पूछ सकता है कोई भी। हैं जिसको पूछना पूछिए। एग्जाम्पल पहला समझ में आ गया था। पहला सिंपल था कि हमें क्या करना था कि वैल्यू को सम करना था। हम सम लगा देंगे देन वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे आ जाएगा। बट दिक्कत क्या थी, एरर आ रही है तो एरर को हटाने के लिए हम किसका फॉर्मूला यूज़ करते थे, एग्रीगेट। देन दो हज़ार अगर 2007 में देखें तो हम क्या करेंगे, सम सम के अंदर इज एरर एंड देन इसको सिलेक्ट कर लेंगे तो आपका सम आ जाएगा। देन कॉमा ज़ीरो एंटर मारो जीरो आएगा। देन एफ टू कंट्रोल शिफ्ट एंटर। ठीक है, तीसरा तरीका था इफ़ की वजह से, इफ सम देन इफ इज एरर, सॉरी इफ के साथ इज एरर, क्योंकि 2003 में हमारे पास ये फार्मूला था नहीं इज एरर का, इफ एरर का नहीं था, तो उस समय हम इज एरर लगाते थे। इज एरर देन अगर ये वैल्यू एरर देती है तो जीरो कर दो, नहीं तो ये सम कर दो। हाँ एफ टू कंट्रोल शिफ्ट एंटर। हाँ ठीक है, सेकंड एग्जांपल था हमारा कि मुझे दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करना, सिंपल था जो। ठीक है, फोर्थ एग्जांपल था कि मुझे ना जैन मंथ का सम चाहिए। क्या चाहिए, जैन मंथ का सम। अब प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर डेट दे रखी है, कोई मंथ का कोई कॉमा ही नहीं है, मंथ के लिए कुछ हमने दिया ही नहीं ना, तो कैसे करेंगे मंथ का। तो हम या तो अगर हम मैन्युअली करें तो हम ऐसे करेंगे टैक्स, हम इस वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे देन थ्री टाइम एम, तो हमें क्या आ जाएगा शॉर्ट फॉर्म में मंथ आ जाएगा। देन कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो करके नीचे ड्रैग कर देंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हम यहाँ कंडीशन देंगे अगर ये वैल्यू इक्वल है इस वाली वैल्यू के तो क्या आएगा फॉल, अगर इक्वल होगी तो ट्रू नहीं तो फॉल्स। देन आप इस पर डबल क्लिक कर दीजिए, आगे रिजल्ट कंट्रोल एक्स देन कंट्रोल बी, देन कंडीशन दे दी इफ अगर ये वैल्यू इक्वल टू ट्रू है तो ये वैल्यू शो करें, नहीं तो ब्लैंक जीरो दिखाएं। ठीक है, जहाँ जहाँ इसको ट्रू मिलेगा वहाँ आपको रिजल्ट दे दे। जैसे अगर मैं यहाँ रेल कर दूँ, बट प्रॉब्लम क्या होगा, ये फार्मूला मैंने फिक्स नहीं करा था, इसको फिक्स करना चाहिए था G5 को। देन कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, ये देखिए आप आ गया आपका ट्रू ट्रू। देन यहाँ दोबारा कंडीशन दे दीजिए इफ अगर ये वैल्यू इजिकल टू ट्रू है तो ये वैल्यू शो करें, नहीं तो आप जीरो दिखाएं। देखिए आ गया, देन अब आपको सम करना है तो आप सम कर देंगे, एरिया को सिलेक्ट कर दें एंटर तो आपका सम आ जाएगा। जैसे ही आप फैप करोगे तो फैप का सम आएगा, आप पहल करोगे तो अपेल का सम आएगा। ठीक है, बट ये देख रहे हो कि इसके लिए हमें कितने कॉलम यूज़ करने पड़े, 1 2 3 देन फोर्थ कॉलम। यही काम क्या करता है, एरे एक ही सेल में करता है। आप यहाँ लगाइए क्या सम करना है, सम सम के साथ इफ, इफ के साथ टैक्स। अब हमने एक वैल्यू सिलेक्ट करा था, इसमें हम पूरे एरिया को सिलेक्ट करेंगे, देन बोल देंगे इक्वल टू एन, हो गया। देन यहाँ जाएंगे हम बोलेंगे अगर ये वैल्यू बराबर है इस वाली वैल्यू के तो इसका सम दिखाएं, एफ टू कंट्रोल शिफ्ट एंटर। ठीक है, देन सेकेंड हमारा क्वेश्चन यही था, एग्जाम्पल फोर था हमारा कि सबसे बड़ा कैरेक्टर निकालना है कि इसमें सबसे बड़ा नेम कौन सा है, तो हम क्या लगाएंगे, सबसे पहले हमें पता करना है इसकी लेंथ कितनी, तो हम क्या लगाएंगे लेंथ का फार्मूला। लेंथ हमें क्या करता है, किसी भी कैरेक्टर की लेंथ बताता है, 8 आ गया। देन सबसे बड़ी लेंथ कितनी इसमें, 13। कैसे पता चलेगा, आप मैक्स लगा दो तो मैक्स क्या बोलता है, किसी भी कैरेक्टर की लेंथ बता देता है, आ गया 13। देन अब मैच से पता करो कि 13 कितने नंबर रो पे है, तो अब यहाँ क्या लगाओगे मैच। ठीक है, लुकअप, मैंने कहा इसको लुकअप करना है, देन लुकअप एरिया मैंने बोल दिया ये, देन 0 फॉर एग्जैक्ट मैच। आगे 4,
ये हमारा रो नंबर आया, देन हम यहाँ पर लगा देंगे इंडेक्स, देन यहाँ क्या लगाएंगे हम लोग, इंडेक्स लगाएंगे। इंडेक्स से किसको, रो एरिया को सिलेक्ट करेंगे, देन रो नंबर 4 आपका रिजल्ट आ गया। ये तो मैन्युअली प्रोसेस था हमारा सारा, क्या था मैन्युअली प्रोसेस था जो हमने अभी करा है, नाम आ गया। अब इस पूरे फार्मूले को आप मर्ज करते रहिए, ठीक है। देन नहीं तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप यहाँ पर मैक्स लगाएं, मैक्स के अंदर ही लैन लगा दें, बट हम लोग क्या करते हैं, हम एक बार में इसको सिलेक्ट करते हैं, बट जब आपको एरे लगाएं तो पूरा एरिया सिलेक्ट किया जी। देन इंटर मारेंगे तो सबसे पहली रो नंबर बताएगा आपको, देन आप इसको F2 से ओपन कीजिए, देन कंट्रोल शिफ्ट एंटर, तो ये बताया कितने नंबर रो है, 13 नंबर रो है, ठीक है। दूसरा, अब हमें 13 नंबर पता चला कि सबसे बड़ी कैरेक्टर कितना है, 13, तो कैसे पता चलेगा, आप यहाँ लगाओगे मैच, यहाँ जाओ, हाँ तो पहला वाला दिखाता नहीं हमें मैच, देन हमने बोला इसको लुकअप करना है, बट अब यहाँ से लुकअप एरे कहाँ से लाएंगे, तो हमने बोला लैन, कि लैन क्या करे, सभी कैरेक्टर की लेंथ बताएं मुझे, लेंथ आ गई, देन एग्जैक्ट मैच के लिए आप 0 लगाइए, एंड देन इंटर की जगह आप F2 कंट्रोल शिफ्ट एंटर, तो इसमें बताया कितने नंबर रो है आपकी, 4 नंबर रो है। मैं सेकंड से स्टार्ट कर रहा हूँ इसलिए रो नंबर 4th बता रहा, देन आप क्या लगाओगे यहाँ पर, इंडेक्स या ऑफसेट, इंडेक्स में एरिया को सिलेक्ट करेंगे, देन फिर आप रो नंबर, देन इंटर, आगे नेम, ये सपोज मैं इस नेम की को छोटा कर दूं तो आपका, ठीक है, इसको अगर दोबारा रिपीट करोगे तो वही नेम, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन था हमारा कि मुझे एवरेज निकालनी है, क्या करनी है, एवरेज निकालनी है, लेकिन मुझे ग्रेटर देन 0 वालों को इग्नोर करना है, जो आपके 0 है इसको इग्नोर करना है। अगर आप वैसे इसकी एवरेज निकालोगे तो इसकी एवरेज आएगी एवरेज इज इक्वल, ठीक है, कितनी एवरेज आ रही है, 40। अगर आप नॉर्मल एवरेज निकालोगे तो आपको यहाँ से पता चलेगा, इस एरिया को सिलेक्ट करा, इतने एरिया को सिलेक्ट करा, देन इतने एरिया को सिलेक्ट कर दिया, तो आप ये देखिए इसकी एवरेज कितनी है, टोटल 44, तो इसकी एवरेज कितनी आ रही है, 40। मैं चाहता हूँ कि 0 को इग्नोर करना, तो कैसे करेंगे हम लोग, क्या लगाएंगे यहाँ पर, इफ़ एवरेज इफ़ देन रेंज, हम इस रेंज को सिलेक्ट करेंगे और क्राइटेरिया बोल देंगे ग्रेटर देन 0, देन इंटर, तो आपका सम आ जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये कि ये 2007 में था, अगर आप 2003 पे काम करोगे तो कैसे करोगे, क्योंकि एवरेज इफ 2003 का नहीं, 2007 का पार्ट है, 2003 का नहीं है, फिर कैसे करोगे आप, तब हमें अब इफ़ की मदद लेंगे, इफ़ अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन, ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, देन तब इसकी एवरेज हमें बताएं, हैं, नहीं नहीं कंडीशन है ना, लॉजिक ऑपरेटर है ना, इसे ही लगाएंगे, देन नहीं तो 0 कर दे, और यहाँ पर एवरेज, F2 कंट्रोल शिफ्ट एंटर, ठीक है, 40 आ रहा है, यहाँ कहीं प्रॉब्लम आ रही है, 0 की जगह इसको ब्लैंक करना पड़ेगा, वरना 0 को भी कंसीडर कर रहा है, ठीक है। तो आप 2007 में ऐसे लगा, 2013 में लगाना है तो आप नॉर्मल लगा सकते हैं, कैसे, एवरेज इफ से, ठीक है। अगर 2003 पे लगाना है तो आपको इफ की मदद लेनी पड़ेगी, इफ अगर ये वैल्यू, ये पता क्या करता है, जो आप यहाँ पर देखते हो मल्टीपल वैल्यू डाली, इसका मतलब हर वैल्यू को 1-1 करके चेक करेगा, ऐसे सभी वैल्यू को चेक कर, जहाँ जहाँ ट्रू है उसने वैल्यू को रिटर्न कर दिया, जहाँ वैल्यू नहीं है वहाँ क्या कर दिया उसने, ब्लैंक। नेक्स्ट एग्जांपल था कि मुझे इसमें यूनिक नेम चाहिए, क्या चाहिए, यूनिक नेम, कैसे, जैसे हम इस एरिया को सिलेक्ट करते हैं, हम डाटा के अंदर जाते हैं, यहाँ से रिमूव डुप्लीकेट करते हैं, तो हमारा क्या होता है, खाली यूनिक यूनिक आते हैं और रिमूव हमारे डुप्लीकेट हट जाते हैं, यही होता है ना। बट अगर यही काम मुझे फार्मूले से करना होंगे,
कंट्रोल जेड नहीं हो रहा इसमें। तो कैसे करेंगे, कोई आइडिया किसी को? मुझे यूनिक नेम चाहिए यहाँ पर। सपोज यहाँ पर अगर मैं नेम दोबारा बढ़ाऊँ तो यहाँ पर नेम आ जाए। तो सबसे पहले हम इसमें एक ट्रिक है, बाकी और कुछ नहीं है कि आप ये आपको भी याद करनी पड़ेगी, यही ट्रिक से। सबसे पहले आप इस एरिया का एक नाम डिफाइन करेंगे, क्या करेंगे, इस पूरे एरिया का एक नाम रख देंगे। देन मैंने रख दिया इसका डाटा, ठीक है, डाटा आ गया। देन डाटा के बाद और मैंने यहाँ पर दिया मैच, मैंने बोला मैच, मुझे लुकअप क्या करनी है, मैंने कहा जीरो वाली वैल्यू को लुकअप करनी है, ठीक है। देन ठीक है, अगर जैसे अभी एक मिनट रुको, क्वेश्चन एक मिनट रुको, मैच जीरो कॉमा काउंट इफ रेंज क्राइटेरिया डाटा, ठीक है, देन कॉमा जीरो ये एग्जाम्पल मैं आपको कल बताता हूँ, ये फार्मूला नहीं रिजल्ट दे रहा, ठीक है। अब मुझे ना क्या करना है, मुझे सबसे लास्ट मोहित जैन की सेल निकालनी है। कि हम कैसे निकालें कि सबसे लास्ट मोहित ने कितनी सेल करी है, तो कैसे निकालें वो बताएगा इसमें। यहाँ पर जैसे सबसे लास्ट में सेल करी है ना, ये निकालना है मुझे कितनी सेल करी, सबसे लास्ट निकालनी है बाय फार्मूला। क्वेश्चन ये है कि जो लास्ट मोहित आ रहा है ना यहाँ पर सबसे नीचे, उसकी सेल मुझे पता करनी है कि उसने लास्ट सेल कितनी करी है, सेकंड लास्ट ईयर इसकी, ठीक है। बाकी और देखोगे तो और ऊपर भी सेल है, बट मुझे क्या चाहिए, मुझे सबसे लास्ट सेल पता करनी है कि इसकी सबसे लास्ट सेल क्या है। तो हम यहाँ पर लगाएंगे इफ, ठीक है, हम बोलेंगे अगर वैसे अगर आप नॉर्मल मैनुअली करना चाहो तो कैसे होगा, हम बोलेंगे अगर ये वैल्यू इक्वल टू है इस वैल्यू के, रिजल्ट क्या आएगा आपका, फॉल्स। अगर वैल्यू आपस में बराबर नहीं है, जहाँ जहाँ वैल्यू आप बराबर होगी वहाँ रिजल्ट आपको क्या आ जाएगा, ट्रू, या ट्रू आ गया। देन यहाँ कंडीशन देंगे इफ अगर ये वैल्यू ट्रू है तो इसका रो नंबर बता दें मुझे, ठीक है, देन कॉमा जीरो, देन
इसका रोल नंबर बताया कितना है, इसका रोल नंबर 3, इसमें कितना है आपका 20, देन 37, देन 54, तो ऐसे हमें रोल नंबर बता रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर मैक्स लगाएंगे, हम बोलेंगे जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो बताइए मुझे, तो इससे बताया कितनी है 190। अब देखोगे तो इसकी मोहित कितने पे आया, मोहित 190 पे, देन आ गया। देन आप यहाँ पर लगाएंगे इंडेक्स, आप इस एरिया को सिलेक्ट करेंगे और रो नंबर कितना बोल देंगे 190, देन इंटर, रिजल्ट आ जाएगा आपका 58 होगा। तो फिर मैं सेकंड से स्टार्ट करना पड़ेगा, सेकंड से कराएं तो मुझे 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ये आपका मैनुअली कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पर एक लॉजिक चेक करा कि मैंने बोला कि ये वाली वैल्यू क्या इस वैल्यू के बराबर है, जहाँ जहाँ बराबर होगा वहाँ क्या मिलेगा आपको ट्रू, जहाँ बराबर नहीं होगा रिजल्ट आपको क्या देगा फॉल्स। देन फिर मैंने एक और कंडीशन बोली, मैंने बोला इफ़ अगर ये वैल्यू ट्रू है तो मुझे क्या करो उसका रो नंबर बता दो, जहाँ जहाँ इसको ट्रू मिला इसने वहाँ क्या करा इसका रो नंबर बता दिया। देन फिर मैंने मैक्स लगाया, मैंने मैक्स को बोला कि जिसमें सबसे बड़ी वैल्यू है मुझे बताओ, तो उसने बताया कि सबसे बड़ी वैल्यू कितनी है आपकी 190। देन फिर मैंने लगाया इंडेक्स, मैंने बोला इंडेक्स के कि इस एरिया में आप 190 रो को बताइए कि उस पर वैल्यू क्या है, तो इसने बताया कितनी वैल्यू है आपकी 58, ठीक है। ये काम तो हो गया आपका मैनुअली। अगर इसको बाय एरे करें तो कैसे करेंगे, सबसे पहले आप यहाँ पर लगाएंगे मैक्स, मैक्स हमें क्या देगा सबसे बड़ी रो नंबर, देन इफ को बोलूँगा मैं अगर ये वैल्यू इस पूरे एरिए को सिलेक्ट करूँगा देन इक्वल है इसके, ठीक है, तो मुझे क्या करें मुझे रो नंबर बता दें। हमने एक दिया था इसमें हम पूरा देंगे, ठीक है, देन 0 एंटर मारेंगे तो हमें ये रो नंबर बताएगा। अभी 0 आया, F2 से ओपन करेंगे देन कंट्रोल शिफ्ट एंटर, तो रो नंबर कितनी आ गई 190। अब ये फार्मूला परफॉर्म कैसे करें, सबसे पहले यहाँ पर चला आपका इफ, हर इफ ने चेक करा कि ये वैल्यू आपस में बराबर है क्या, जहाँ जहाँ बराबर होगी वहाँ वहाँ क्या दे देगा ये आपको, ठीक है, सारे नाम आ गए। फिर जहाँ जहाँ इसने चेक करा ये फॉल्स है, ये ट्रू है, ये फॉल्स है, ठीक है, ये देखिए। देन फिर आगे बढ़ाओगे तो हमें इसने क्या दे दिया, रो ने हमें रो नंबर बता दिया, किसका रो नंबर 3 है, इसका रो नंबर 37 है, इसका रो नंबर 20 है, इसका नंबर 50। फिर यहाँ पर आपका चला मैक्स, मैक्स ने चेक करा कि सबसे बड़ी वैल्यू कितनी है, तो उसने बताया कितनी है 90, तो आपको रिजल्ट आ गया। बट अब ये वैल्यू नहीं आ रही तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, इंडेक्स, यहाँ पर लगाएंगे इंडेक्स, इस पूरे एरिए में से मुझे 190 रो बताइए। देन अभी भी मैंने मिस्टेक कर दी, मुझे 1 से स्टार्ट करना चाहिए था, सेकंड से स्टार्ट हो गया, ठीक है, आ गया। अब इस पूरे फॉर्मूले को कॉपी करो, ठीक है, इसके अंदर जाइए जहाँ आपका G7 है उसकी जगह आप पेस्ट कर दीजिए, देन F2 कंट्रोल शिफ्ट एंटर, तो आपकी लास्ट आ जाएगी, ठीक है, क्लियर। अब किसी ने आपसे कह दिया कि ना मुझे ये बताओ मोहित की सेल निकालो कि पहली सेल कितनी हुई है इसकी, सेकंड, थर्ड, हमने भी लास्ट निकाली ना, वो पहली 5 मांग रहा है, तो आप कैसे निकालोगे इसमें, तुमने लास्ट निकाली है, ठीक है, तो कैसे कोई बताएगा इसको कि मुझे लोएस्ट 5 मतलब जो स्टार्टिंग 5 है ना वो चाहिए मोहित की सेल, नहीं, यहाँ पर सेम ऐसे ही कॉन्सेप्ट चलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले कंडीशन यही रहेगी क्या ये वैल्यू आपस में बराबर है, ठीक है, जहाँ जहाँ बराबर होगी वहाँ क्या दे देगा आपको ट्रू। देन फिर आप यहाँ क्या करोगे, जब मैक्स लगाया मैक्स के आप यहाँ लगाओगे स्मॉल, क्या लगाओगे स्मॉल, पूरे एरिया को सिलेक्ट करोगे, देन फिर सबसे पूछेगा के सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या चाहिए, मैंने बोला सबसे स्मॉलेस्ट बताइए इसमें क्या है, तो ये मुझे बताएगा कितना 0। बट अभी हमने जहाँ कंडीशन 0 दी थी इसको ब्लैंक में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वरना 0 सबसे छोटी वैल्यू होती है, देन आ गया, देन कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो आ गया, तो इसमें बताया सबसे छोटी वैल्यू कितनी आपकी 3 आ गया। देन फिर मैंने स्मॉल लगाया, मैंने बताया कि सर सेकंड वैल्यू बताइए सबसे छोटी कौन सी, यहाँ पर मैंने 2 डाल दिया, तो उसने मुझे बताया कितनी आपकी 20 है। देन फिर मैंने यहाँ पर स्मॉल लगाया, मैंने बोला स्मॉल इस एरिया में लोएस्ट 3 बताइए, तो उसने बताया कितनी आपकी 37।
फिर मैंने स्मॉल लगाया, देन मैंने फिर एरिया को सिलेक्ट करा, यहाँ बोल दिया मैंने 4। उसने क्या बताया, लोएस्ट 4 कितनी आपकी, 54। फिर मैंने यहाँ पर क्या लगाया, स्मॉल, एरिया को सिलेक्ट करा, देन कितना 5। उसने मुझे बताया लोएस्ट 5 कितनी, आप यहाँ चेक कर सकते हो, 320। देखो इसलिए जा रहा है क्योंकि सारा फार्मूला लगा है, ठीक है, 320, देन 57, 54, देन आपका 71, ठीक है। आगे लोएस्ट 5, ठीक है। अब ये काम हमने यहाँ करा, यही काम इसको हमें यहाँ करना था। इस पूरे फार्मूले को कॉपी करेंगे एंड देन इसको पेस्ट करेंगे, लेकिन प्रॉब्लम आ गई क्योंकि ये फार्मूला ब्लैंक ना करें, हमें इसका रो नंबर बता दें। इफ अगर ये वैल्यू ट्रू है तो हमें इसका क्या करें, रो नंबर बता दें, नहीं तो ब्लैंक कर दें। आ गया, फिर देन ही हम लगाएंगे यहाँ मैक्स कि सबसे बड़ी वैल्यू इसमें कौन सी है। इसने बताया कितना, 18, ठीक है। अगर मैं यहाँ से वैल्यू को बढ़ा भी देता हूँ, ठीक है, फार्मूले को नीचे ड्रैग करना पड़ेगा, आ गया, देन यहाँ पर फार्मूले को ड्रैग करा, ठीक है, ठीक है, देन अभी ये फार्मूला आधा चला है, C2 से लेके C18 तक, तो हमारा कितना हो गया 28, तो हम इसको हटा कितना कर देंगे, 2। सबसे बड़ी वैल्यू कितनी है इसमें आपकी, 28। देन फिर हम बोलेंगे इंडेक्स, ठीक है, इस पूरे एरिया को सिलेक्ट करेंगे और सबसे, मैंने बोला कि 28 नंबर रो पे जो वैल्यू टाइप है वो बताइए, तो उसने बताया कितना आपका, 28। क्या चीज, 81 आ तो गया। देखिए दोबारा समझ लीजिए, सबसे पहले कंडीशन क्या है, मैंने यहाँ हर वैल्यू को चेक करा कि वैल्यू 0 से बड़ी है, जहाँ जहाँ आपकी 0 से बड़ी वहाँ आपको क्या आ गया, ट्रू आ गया, जहाँ वैल्यू 0 से बड़ी नहीं वहाँ क्या आया आपका, फॉल्स आ गया। देन फिर मैंने एक और कंडीशन दी, मैंने बोला अगर ये वैल्यू आपकी ट्रू है तो मुझे क्या करो, उसका रो नंबर बता दो। तो इसने क्या करा, हर का रो नंबर बता दिया, जहाँ आपकी वैल्यू 0 थी वहाँ से आपका रो नंबर नहीं बताया। फिर मैंने बोला मैक्स को, मैंने कहा इस सब में से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी, तो उसने बताया कितनी आपकी, 28 है, ठीक है। देन फिर मैंने बोला इंडेक्स को, इंडेक्स इस पूरे एरिए में आप 20 नंबर रो की मुझे वैल्यू बताइए। मैंने यहाँ जो मैनुअली टाइप करा इसको मैं डायनेमिक यहाँ से कर देता, आ गया। अब देखिए अगर मैं इसको डिलीट कर दूँ 2 को, तो ये सेकंड लास्ट बताएगा, 30 आ गया। देन मैं इसको डिलीट करूँ, 30 आ जाएगा। आप चाहते हो कि आगे लंबा हो जाए तो आपको फार्मूला थोड़ा और बड़ा करना पड़ेगा, ठीक है, इस फार्मूले को आगे बढ़ाना पड़ेगा ऐसे करके, ठीक है। देन फिर आपको रिजल्ट देगा, फार्मूला यहाँ तक लगा, इस फार्मूले को नीचे लाना पड़ेगा, ठीक है। देन अब इस फार्मूले को आप जैसा करोगे लास्ट आपका इनपुट यहाँ पर आता जाएगा। अभी C18 तक है, हमारी वैल्यू कितनी आ गई, 30, तो यहाँ पर कितना कर देंगे, 30। ये तो आपकी मैनुअली कॉन्सेप्ट था जो आपने करा है। अब इसको डायनेमिक कैसे करेंगे, डायनेमिक के लिए हम एरे कैसे बनाएंगे, सबसे पहले लगाएंगे मैक्स, क्योंकि मैक्स हमें क्या करता है, सबसे बड़ी रो नंबर बताता है। देन इफ के हम कंडीशन देंगे, इफ अगर ये वैल्यू इस पूरे एरिया को सिलेक्ट करेंगे, देन हम बोल देंगे ग्रेटर देन 0 है तो मुझे क्या करो, उसका रो नंबर बता दो। देन आ गया, नहीं तो आप इसको ब्लैंक में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। देन एंटर मारोगे तो आपको बताएगा 2, देन F2 कंट्रोल शिफ्ट एंटर, तो रो नंबर कितना बता दिया इसने आपको, 30 आ गया। बट अगर भी फॉर्मूला कहाँ से स्टार्ट है, A2 से लेके A30 तक स्टार्ट है, तो आप इसकी रेंज बढ़ा दो, A50 कर दो, ठीक है। एंड देन 0 जगह बोल दो नॉट इक्वल टू 0, देन यहाँ भी A2 से लेके A50, F2 कंट्रोल शिफ्ट एंटर, रो नंबर क्योंकि आगे तक अभी भी मैनुअली यहाँ वैल्यू टाइप करूँगा ना, वरना फिर फार्मूला रिजल्ट नहीं देता। A2 से लेके 30 होता ना, अब मैं जैसे यहाँ पर 50 टाइप करते, 70, 80, 90,
है, पहले ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो में क्या हो रहा था कि सारी वैल्यू आपको रिटर्न कर रहा था। अब मुझे वो वैल्यू पता करनी जहाँ तक आपका टाइप है, लास्ट वैल्यू टाइप करनी। आप ये देखो ये फार्मूला है ना, इस पर आप एवोलेट करोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। इस पर जाइए फार्मूला के अंदर, एवोलेट कीजिए, देन यहाँ से सबसे पहले आपका चला इफ, जहाँ जहाँ आपका ट्रू था वहाँ उसने क्या रिटर्न कर दिया आपको, उसका रो नंबर रिटर्न कर दिया। सबसे बड़ी रो नंबर कितना आ गया आपका 34, ठीक है 34 रो नंबर आया। देन बाकी सबको इसमें कितने काउंट कर दिया ब्लैंक के अंदर। देन फिर मैं यहाँ चलाऊंगा आपका इंडेक्स, इंडेक्स में एरिया को सिलेक्ट करूंगा, देन A1 से स्टार्ट करना पड़ेगा और इसको 50 में काउंट करना पड़ेगा। 80 आ गया लास्ट। अब देखिए थोड़ा सा वैल्यू इसको छोटा और छोटा कर देता हूँ। अब देखिए मैं यहाँ पर और कुछ वैल्यू टाइप करूँगा तो रिजल्ट हमने आप दे देगा, लिंक नहीं है बट ये लास्ट वैल्यू को रिटर्न करेगा, ठीक है। और नॉट इक्वल टू मैंने इसलिए लगाया था, नॉट इक्वल टू इसलिए लगाया था कि जो जीरो है आप उसको काउंट मत करो। क्या है जो जीरो उसको काउंट, उसका रो नंबर आप मुझे मत दो, जिस जो जीरो नहीं है आप उसका रिटर्न दो। देखो अगर ये अगर मैं यहाँ बोलता इक्वल टू जीरो तो आप इसका भी रिजल्ट दे देता मुझे, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पर नॉट इक्वल टू जीरो लगाया। देन आप इस पूरे फार्मूले को मर्ज करके यहाँ पेस्ट कर दीजिए तो आपका डायनेमिक हो जाएगा। देन एग्जांपल 9, अब मेरे पास ये बैंक कोड है, मैं चाहता हूँ जैसे मैं यहाँ पर 11 लिखूँ तो जो HDFC बैंक हो तो उसका कोड आ जाए, अगर मैं यहाँ पर 2 लिखूँ तो उसका ICICI बैंक का आ जाए। देन कैसे हम तो वी लुकअप लगाएंगे, वी लुकअप इसको लुकअप करना है कहाँ से, इस पूरे एरिया में, तो एंड देन कॉमा 2 तो आपको रिजल्ट आ जाएगा कितना। देन यहाँ 3 तो 3 4 5 6 7, ठीक है आ गया, ठीक है। बट मैं चाहता हूँ कि मैं इस डाटा को यहाँ रखना ही नहीं चाहता, मैं इस डाटा को यहाँ रखना ही नहीं चाहता, तो कैसे करेंगे। मैंने आपको कल ही क्लास में भी बताया था कि अगर मैं कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर 1, 2, 3, 5 लिखता हूँ तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये रो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। देन इंटर, अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊँ F2 कंट्रोल शिफ्ट इंटर तो कितना नाम आ गया 1, 2, 4। अगर मुझे रो के लिए करना है तो मैं क्या करूँगा, कर्ली ब्रैकेट देन 1/2/3 देन आपका 4, तो ये रो के लिए डिस्ट्रीब्यूट होता है, होता है आ गया, ठीक है। एनए की एरर इसलिए आ रही है क्योंकि मैं 4 लिखा और मैं 5 सेल को सिलेक्ट कर रहा है, ठीक है, इसलिए आपकी एरर आ रही है। देखिए आप वी लुकअप इसको सिलेक्ट करा, देन एरिया देन कॉमा 2, 0 आ गया। देन इसको ओपन कीजिए और देन यहाँ जाइए और यहाँ पर F9 टाइप कर दीजिए, काम नहीं कर रहा है, रिकॉर्डिंग में ही कुछ प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है रिकॉर्डिंग ऑफ करके फिर देखता हूँ, ठीक है। तो ऐसा करोगे तो ये इस ब्रैकेट में आ जाएगा, ठीक है। देन फिर आप उसको क्या करना, इसको कॉपी करना, देन इसका एक नेम डिफाइन कर देना, एरिया को सिलेक्ट करना, देन नेम मैनेजर के अंदर आना और यहाँ से डाल देना वी लुकअप, देन कंट्रोल इक्वल दबा के कंट्रोल वी एंड देन एंटर, ठीक है। देन अब आपको ये फार्मूला इतना लंबा लिखने की ज़रूरत नहीं है, वी लुकअप इसको सॉरी वी लुकअप इसको सिलेक्ट करा देन VL देन 2, 0, ठीक है। मैं भी इसको बाद में कराऊँ जैसी वीडियो स्टॉप करूँगा फिर समझाता हूँ आपको। देन लास्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ आज का, अब मुझे टॉप 5 वैल्यू का सम चाहिए, टॉप 5 वैल्यू का सम चाहिए, तो कैसे करेंगे। अगर मैनुअली करने बैठे हैं तो हम ऐसे ही कर पाएंगे, हाँ लार्ज का लगाएंगे हमें 1, 2, 3, 4, 5 आ गया। देन हम बोलेंगे यहाँ पर लार्ज, लार्ज इस पूरे में सबसे बड़ी वैल्यू निकालो तो कितना आ जाएगा आपका 100। देन फिर सेकंड नंबर लार्जेस्ट 100, ठीक है 100, ठीक है 99, इसका मतलब 100 इसमें 4 टाइम है,
100 इसमें कितना है आपका, ठीक है ज़्यादा। मैं दोबारा इसको रैंड बिट में, हाँ टाइप कर सकते हैं मैनुअली, देखिए आ गया। इसका मतलब इसमें 2 टाइम 100 है, फिर 99 98 98। अब इस पर सम कर लीजिए। बट अभी प्रॉब्लम इसमें एक आएगी, क्या प्रॉब्लम आएगी, मैंने ऑल्ट इक्वल दबा के सम कर लिया, हो गया सम हमारा। बट मैं चाहता हूँ कि इतना सेल को मैं यूज नहीं करना चाहता, मैं यहाँ पर 5 लिखूँ तो टॉप 5 की सेल आ जाए, मैं यहाँ पर टॉप 6 लिखूँ तो टॉप का सम होके आ जाए, टॉप 6 का सम होके आ जाए, मतलब इतना मैनुअली कॉन्सेप्ट को नहीं करना चाहता। तो कैसे करेंगे, जैसे मैं यहाँ पर 5 लिखा तो ये जो वैल्यू आ रही ना उठ के आपकी यहाँ पर वाली, इन सब का सम होके आ जाए अपने आप बाय फार्मूला। तो यहाँ पर लगाएंगे हम लार्ज के अंदर, सम करना है ठीक है, लार्ज देन पूरे एरिया को सिलेक्ट करा और देन 5 एंटर। तो क्या रिजल्ट सही आया हमारा, उसमें रिजल्ट सही है, सही नहीं है ना, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर जो मैनुअली 5 लिखा है इसने लार्ज में 5 को ढूंढा, 5 आपका कितना था 98, तो इसने 98 की वैल्यू दे दी, लेकिन मुझे इन सब का सम चाहिए। तो हम कल जो हमने रो वाला कॉन्सेप्ट बनाया था वही यहाँ हाँ बनाएंगे आज, हम रो लिखेंगे देन बोलेंगे 1 स्लैश देन कर्ली ब्रैकेट और इसको टाइप कर देंगे 5, तो कितने टाइम चलेगा आपका 5 टाइम, देन इस ब्रैकेट को क्लोज कर दें। बट ये अभी परफॉर्म नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि ये टैक्स है, किसी भी टैक्स को रेफरेंस में कन्वर्ट करने के लिए हमें इनडायरेक्ट लगाना पड़ता है। देन इंटर मारिए F2 कंट्रोल शिफ्ट एंटर आ गया। अब ये परफॉर्म कैसे कर रहा है इसको देखिए ध्यान से, फार्मूले के अंदर एवलेट करा, पहले ये यहाँ पर चला आपका एरिया, ये इसने आपको सारी वैल्यू रिटर्न करी, तो आपका देखो यहाँ बन गई रो नंबर 1 से लेके 5 तक। देन लार्ज कितनी बार चलेगा, लार्ज आपका 5 बार चलेगा, पहले यहाँ वैल्यू इसने रिटर्न करी 100 100 99 98 ठीक है। देन एवलेट ये देखो, मैंने कल बताया था आपको कि अगर मैं यहाँ मैनुअली रो डालता हूँ तो क्या करता है, जहाँ आप खड़े होते वहाँ का रो नंबर बताता है, देन आप यहाँ रो लिखते हो आपने किसी और को सिलेक्ट करते हो तो उसका रो नंबर बताता है, बताता है। लेकिन आप क्या करते हो, अगर आपने यहाँ पर मैनुअली टाइप कर दिया कि मुझे 10 से लेके 15 नंबर नीचे टाइप करने हैं, तो ये क्या करेगा, आपको 10 दिखाएगा, नीचे जाओगे तो आपको 15 तक मतलब काउंटिंग बना देगा, 10 11 12 13 14 काउंटिंग का काम करता है। फिर रो आपका रो का काम नहीं करता, काउंटिंग का, मैंने बोला 10 से लेके 15 तक आपको चलना है, तो ये क्या करता है आपका जो आपने वैल्यू बताई है वहाँ तक आपका टाइप। अगर इसमें मैंने बोल दिया कि आपको 1000 से लेके 10 लाख तक चलना है तो आपके 10 लाख तक चलेगा, ठीक है। अभी एरे लगा हुआ है, देन इस एरे को काटें, देन दोबारा लगाएं रो 1000 से लेके 1 लाख। ठीक है, देन एंटर मारोगे तो पहली वैल्यू आ जाएगी जो आपकी सबसे ऊपर है, देन पूरे एरिया को सिलेक्ट कीजिए F2 कंट्रोल शिफ्ट एंटर, आ गई वैल्यू, तो हमें काउंटिंग आ गई। बट प्रॉब्लम क्या था कि मुझे 5 टाइम चलाना था, तो मैंने यहाँ पर 1 से लेके कॉन्कनेंट कर दिया किसको, इसको, इससे बेनिफिट क्या हुआ, अगर मैं यहाँ 6 करूँगा तो कितने टाइम चलेगा आपका 6 टाइम, या फिर कितना 7 में 8 देन आपका 9। ये इसलिए क्योंकि टैक्स है ना, ये ऐसे रीड नहीं करेगा ना, आप इसको हटा दो नहीं, अगर आप दोबारा रो समझ में आया, रो क्या करता है आपका रो नंबर बताता है, देन अगर आप किसी भी रो नंबर को सिलेक्ट करोगे तो आप उसका रो नंबर बताता है, अगर आपने इस सबसे नीचे का सिलेक्ट करा तो उसका रो नंबर बताएगा कितना है
10,48,576, ये बता दिया इसने आपको वो नंबर, ठीक है। देन अगर मैं इसके अंदर कोई वैल्यू टाइप, मैंने अगर 1 लिख दिया तो मुझे यहाँ वैल्यू 1 देगा रेफरेंस के अंदर, 1, 2, 2। देन आप इसको सिलेक्ट कीजिए तो आपको बताएगा रो नंबर कितना है आपका, 1 और 2। देन मैं इसमें 5 कर दूंगा तो मतलब ये काउंटिंग बना देता है। आपने बोला कि मुझे 10 से स्टार्ट करना है और 25 तक चलाना है इसको, तो एक काउंटिंग बना देगा। अभी एरे लगा हुआ है, एरे को डिलीट कीजिए, दोबारा रो लगाइए, देन 10 से लेके 25, तो ये आपका 25 टाइम चलेगा। एरे को सिलेक्ट करा, देन F2 कंट्रोल शिफ्ट एंटर आ गया। देन फिर आप इस फार्मूले को दोबारा लगाइए, कंट्रोल शिफ्ट एंटर, तो आपका 25 तक चल गया। तो मतलब एक काउंटिंग बनाता, जो स्टार्टिंग नंबर होगा वहाँ से लेके एंडिंग नंबर तक चलेगा। और हमें क्या चाहिए था, हमें यहाँ पर सम चाहिए था कि जो मैंने यहाँ पर लिखूँ टॉप 5 लिखूँ तो टॉप 5 का सम आ जाए। बट प्रॉब्लम थी कि हमें ऐसे अलग अलग, क्योंकि लार्ज क्या करता है, लार्ज को 1 by 1 करके आपको इनपुट देने पड़ेंगे। जैसे लार्ज मैंने यहाँ लगाया, लार्ज की इस वैल्यू में सबसे लार्ज वैल्यू कौन सी, तो उसने बताया कितनी आपकी 100। देन फिर आपने यहाँ लगाया लार्ज 2, देन फिर आपने यहाँ लगाया, तो मुझे मैनुअली टाइप करना था 1, 2, 3, 4। बट मुझे क्या करना, सर का क्वेश्चन था कि मुझे यहाँ पर मैं यहाँ जैसे 100 लिखूँ तो 100 का सम होके आ जाए टॉप 100 का, मैं अगर टॉप 5 लिखूँ तो टॉप 5, अगर टॉप 3 तो टॉप 3 का सम आ जाए। तो मैंने बोला यहाँ पर सम, सबसे पहले मुझे क्या करना है सम, तो यहाँ पर सम नहीं, सम के अंदर मैंने लगा दिया लार्ज। मैंने बोला कि इसके अंदर सबसे लार्जेस्ट वैल्यू निकालो, आ गया। अब यहाँ आता है के, कौन से नंबर की वैल्यू आपको चाहिए। मैं अगर यहाँ 5 करूँगा तो ये 5 नंबर की वैल्यू दिखा देगा, बट मुझे तो इसको 5 टाइम चलाना है या 3 टाइम चलाना है, तो मैंने यहाँ पर लगा दिया रो। रो की जगह आप कॉलम भी लगा सकते हो। रो कितने चले, मैंने बोला 1 से लेके चले, कहाँ तक चले, 1 से लेके 3 तक। देन ठीक है, देन अभी तो बट ये अब फिर आपको बार बार फार्मूले को ओपन करना पड़ेगा, यहाँ 3 है, यहाँ पर आपको 5 करना पड़ेगा। हाँ बता रहा हूँ ना, बट एक्सेल क्या मतलब ऐसे ऐसे करके, बट ये रीड नहीं हुआ ना, कॉन्कर्नेंट का साइन लगाना पड़ेगा, फिर आपको फार्मूला ही आगे बढ़ने ही देगा, ठीक है। तो आपको आपको करना है वही तो बता रहा हूँ, अगर आपने यहाँ मैनुअली टाइप करा ऐसे तो मतलब आपका डायनेमिक नहीं है, ठीक है। और ये टैक्स है, एक्सेल इसको रीड नहीं कर रहा रेफरेंस में, तो इसके लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, इनडायरेक्ट लग गया, ठीक है। F2 कंट्रोल शिफ्ट एंटर, ठीक है आ गया। अब दिक्कत ये है कि मैं अगर यहाँ 5 करूँगा तो 5 का सम नहीं आएगा, मैं यहाँ 3 करूँगा 3 का ही रहेगा, 4 करूँगा तो 4 नहीं आएगा। तो हमें क्या करना है, मुझे लिंक करना, तो मैंने यहाँ पर इस 3 को हटा के इसके साथ कॉन्कर्नेट का साइन लगाया था। कॉन्कर्नेट क्या करता है, किसी को आपस में मर्ज करने के लिए हम कॉन्कर्नेट का साइन लगाते हैं। देन मैंने बोला कि आप इस वैल्यू से इसको लिंक कर दो, तो यहाँ पर एक सिक्वेंस नंबर आएगा 1, 2, 4। मैं यहाँ 5 लिखूँ तो 1, 2, 5 ऐसे परफॉर्म होगा। देन F2 कंट्रोल शिफ्ट एंटर, अभी यहाँ पर ही चला है 4 टाइम, 1 से लेके 4। अगर मैं यहाँ 100 करूँगा तो ये 100 टाइम चलेगा, मतलब रो नंबर आपको रिटर्न ऐसे करेगा, रो 1, 2, 100, ठीक है। देन रो 2, 2, 100, जैसा आप बोलोगे वैसा रिटर्न करेगा आप, ठीक है। तो आज कल ये आपका एरे ख़त्म हो जाएगा, अभी इसके 5-6 एग्जाम्पल हैं, क्योंकि जितना अच्छा आपके फार्मूले होंगे उतनी अच्छा आप इसको परफॉर्म कर सकते हो, क्योंकि ये फार्मूले का ही कॉन्सेप्ट है। और आपने अगर फार्मूले अच्छी प्रैक्टिस करी होगी तो आपको सारे फार्मूले समझ में आने लगेंगे। टाइम लगेगा क्योंकि एरे इसलिए सिखाया जाता है कि आप किसी भी काम को अगर जो मैनुअली करते हो उसको ऑटोमेटिक कर सकते हो। आप इतनी एक्स्ट्रा कॉलम ले रहे थे, आपका रिजल्ट एक ही सेल के अंदर आ रहा है, और ये लिंक भी है कि आप यहाँ 5 करोगे तो आपका 5 आ जाएगा। तो एरे इसलिए यूज़ किया जाता है कि ताकि जो आपका मैनुअली प्रोसेस हो आप उसको डायनेमिक कर सको, एक्स्ट्रा कॉलम की यूज़ ना करो। और एरे में बाउंडिंग भी है कि आप किसी एक में, इसमें आपको फ्रीज नहीं करना पड़ता, ठीक है। तो ये चीज़ इसका बेनिफिट है। और ये फार्मूला मुझे पता है कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, अगर आप जब तक इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे सारे फार्मूले की, ये आपको रिजल्ट नहीं देगा। जैसे अभी आपके पास सबके पास एक्सेल फाइल है, किसी ने भी घर पे प्रैक्टिस नहीं करी होगी कि इसका क्या इनपुट है कैसे आएगा। अगर आप घर पे इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आएगा, आप अपने तरीके से लगाओगे इसको, फिर आपकी मिस्टेक्स भी आएंगी कि मैं ऐसे लगा तो रिजल्ट नहीं आ रहा था, अगर मैं ऐसे लगाता तो क्या रिजल्ट आता।
बहुत से ऐसे फार्मूले होते हैं जिनका आंसर नहीं आता, अगर आप ट्राई करोगे तभी आप उसका आंसर ले पाओगे। जैसे मुझसे किसी ने पूछा था कि मुझे ये रो नंबर चाहिए, मैं 2 दिन करी प्रैक्टिस नहीं आया, 3 दिन प्रैक्टिस करी नहीं आया, फिर मैंने एक बार सोचा, नए फार्मूले लगाए, तो फार्मूला मर्जिंग करके ये फार्मूले बन रहे हैं। अगर आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको ये कॉम्प्लिकेटेड लगेगा और सर के ऊपर ही जाएगा, जिसके बाद आपका नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है डायनेमिक चार्ट का, वो भी ऐसी प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि वो डायनेमिक चार्ट क्या है, ऐसे जैसे आपके फार्मूले से लिंक है ऐसे वो भी आपका लिंक हो। तो प्लीज़ इसकी प्रैक्टिस कर लो आप लोग, क्योंकि पीछे क्वेश्चन कोई नहीं पूछ रहा, इसलिए मैंने आज ये बात बोली है।